तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिस्टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के ग्रुप सेटिंग के न्यू फीचर के बारे में। जी हां गाइस, जो कि पहले नहीं था और अब आ चुका है व्हाट्सएप पे। तो हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि क्या इसका फीचर आया है, कैसे इसका यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले गाइज, अभी तक मेरे चैनल ब्रिस्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, आपको प्ले स्टोर पर जाके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। आपको व्हाट्सएप अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपको वो न्यू फीचर नहीं मिलेगा अपने व्हाट्सएप के ग्रुप से। तो WhatsApp अपडेट होने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जिस किसी ग्रुप के एडमिन हैं, आपको वही ग्रुप को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे इसके इन्फो में जाना है। इन्फो में जाते हैं तो यहाँ आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर ग्रुप सेटिंग में जाना है। अब ग्रुप सेटिंग में हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको पहले आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता था, एडिट ग्रुप इन्फो और दूसरा सेंड मैसेजेस। लेकिन अब गाइस, ये न्यू अपडेट आया है, अप्रूव न्यू पार्टिसिपेंट अपडेट। तो ये क्या है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा गाइस। बस ये इसमें क्या करना है, जैसे पहले ये रहता था कि कोई हमारे ग्रुप का लिंक पा गए, उसमें वो डायरेक्ट ऐड हो जाता था और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब इसमें क्या है गाइस, अब हम जैसे इसमें अप्रूव न्यू पार्टिसिपेंट में जाते हैं और इसको टर्न ऑन कर देते हैं, तो टर्न ऑन करने के बाद अगर हमारा कोई भी ग्रुप का लिंक से ज्वाइन करता है तो वो पहले हमको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, वो वहां से ऐड कर लेगा। लेकिन वो हमारे पे एक रिक्वेस्ट आएगी कि हम इसे अप्रूव करते हैं या नहीं अप्रूव करते हैं। तो आप अगर उसको अप्रूव करते हैं तभी वो ऐड हो पाएगा। तो गाइस, यही है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सेटिंग का न्यू फीचर। तो गाइज, आई होप आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप का न्यू फीचर पसंद आया हो। तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।